नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में तिरसठ मरतबा विलादत का दिन आया है, आपने क्यों नहीं मनाया? जवाब देता है अल्लाह के नबी महीने में चार दिन मनाते थे, हर सोमवार का रोजा रखते थे, और ज़ालिमों फिर भी मुखालफत तुम्हारे नसीबे में है, तू हलवा खाता है। अगर चार दफा मनाना है तो फिर महीने में चार दफा मनाओ, रोजा रख के। मौलवी ने रोजा शुरू कर दिता तो काम भी मुक जाना है। दी एंड। और दूसरी बात, ईद और रोजा एक दिन जमा हो सकते नहीं। ईद के दिन रोजा कौन रखता है? और अगर रोजा है फिर ईद नहीं है, और अगर ईद है फिर रोजा नहीं, नहीं है। हजरात फिर कहने वाला कोई और उठता है, वो क्या कहते हैं? उसने सिरे से ही काम मुका दिया। वो कहता है 12 रबीउल अव्वल को वफात हुई नहीं। ऐसा क़लीब भी आ गया, लोग सवाल करते हैं, तुम्हारी किताब है सीरत आला हजरत, उसके अंदर लिखा है आला हजरत के कलम को अल्लाह ने अपनी हिफाजत में ले लिया, उनके कलम से कभी गलती नहीं हुई, तेरे आला हजरत ने अपनी तहरीर में लिखा है। अल्लाह के नबी 12 रबीउल अव्वल को फौत हुए, डूब के मर जा बेशरम आदमी, तेरे मजहब का बानी 12 रबीउल अव्वल लिखता है, और आज तू अहले हदीस के इतराज का जवाब देने के लिए मैदान में आया, हमारा जवाब तूने क्या देना है? जवाब देना है तो अहमद रज़ा खान बरेलवी को दे। सुन लो, रब्बे दो जलाल की कसम है, अना सुब्र मालिक कहते हैं अल्लाह के नबी मदीना छोड़ के गए, मदीने के दो दीवार तारीख से सहाबा पर गम थे, सहाबा पर गम थे। और मैं नहीं कहता, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी बरेलवी ने लिखा शरा सही मुस्लिम में, वो फरमाते हैं कि लोग इतराज़ करते हैं, सवाल करते हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी जो है वो सहाबा किराम ने मनाया? कहते हैं हाँ, हम कहते हैं कि सहाबा किराम ने नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? कि सहाबा किराम को गम बड़े थे। क्या बड़ा था? गम बड़े। तीन सवाल है, कितने सवाल? तीन। फिर बोलो कितने? तीन। पहला सवाल, जश्न ईद मिलादुन नबी सवाब है या गुनाह है? मैनू सदन की लोड़ ही नहीं, ना किताबा खुलन की है। पहला वल नहीं सी मुनाजरिया का, उदो हो गए ने, हूँ जो वल आ गए हूँ नेड़े कोई नहीं आता, और एक बोर्ड लग गया 65,000 वोल्ट दूर दूर रेंदे। प्यारे भाइयों, पहला सवाल, वादा करोगे ये तुमने बरेलवी दोस्तों से करना है, इनके मौलवियों से भी करना है, फेसबुक पे डाल, व्हाट्सएप पे डाल, यूट्यूब पे डाल, और जड़ा तेरा टिक टिक नचन वाला ओदे ते भी पा दे। और पहला सवाल इनसे कर, जश्न ईद मिलादुन नबी सवाब है या गुनाह? सवाब है या गुनाह? ते गुनाह कहना नहीं, लोका मार मार पौले मुंह बताऊ बना छड़ना, सारी जिंदगी सानू लुट लुट खा गए, होन डोल अंदर वड़ के आंदे, गुनाह है? अगर गुनाह है तो फिर इसकी कोई शरी हैसियत है नहीं, कहेंगे सवाब है। हजरात आपने दूसरा सवाल करना है, अगर सवाब है तो सवाब बनाता कौन है? सवाब बनाने वाले कौन है? अल्लाह और उसका रसूल है, अल्लाह और उसका रसूल है। उसे पूछे मौलवी साहब सवाब आपने बनाना है या अल्लाह रसूल ने बनाना है? और तीसरा सवाल मुनाज़रा कि ये सवाब जहां अल्लाह रसूल ने बताया उंगली रखना तेरा काम है, और तू हलवे के साथ इस ईद को मनाता है, अगर किताब और सुन्नत से साबित करते अहले हदीस अपने हुजूर के साथ मनाने के लिए तैयार है।